निरंतर क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन स्वाभाविक नियम है। कुछ भी परिवर्तन नियम की परिधि से बाहर नहीं है। जलवायु भी तब कैसे इसका अपवाद हो सकती है, लेकिन परिवर्तन विशेष रूप से जीवन और इसकी निरंतरता का प्रमुख आधार जलवायु स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो तो वह प्राय कल्याणकारी होगा, यही वास्तविकता है। इस स्थिति के बाद भी विश्व के हर भाग में, हर देश में गत हजारों वर्षों की समय अवधि में निरंतर बढ़ती विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ, वनस्पति का उपयोग हुआ। इससे प्रकृति, जो जलवायु की शुद्धता, स्थिरता और समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण अथवा निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है, पर्वत, नदियां और सभी प्राकृतिक स्रोत भी जिसमें सम्मिलित हैं प्रभावित हुई। लेकिन विकास प्रक्रिया में यह अपरिहार्य, आवश्यक और स्वाभाविक था और आज तक भी है। समुचित दोहन की स्थिति में प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने में पूर्णतः सक्षम होती है, अपने को संभाले रखती है, जलवायु को अनुकूल बनाए रखती है। हजारों वर्षों का इतिहास इस सत्यता का साक्षी है। उसी प्रकार अनावश्यक और हिंसक उल्लंघन न होने की स्थिति में प्राकृतिक संसाधन वरदान बने रहते हैं, वनस्पति पोषक व संरक्षक बनी रहती है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषकर यूरोप से औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वर्तमान मानव सभ्यता के संपूर्ण इतिहास में वह एक अभूतपूर्व परिवर्तनकारी घटना थी। विकास के दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु पृथ्वी पर भविष्य में जीवन को अकल्पनीय रूप से प्रभावित करने वाली भी थी। उस प्रभाव को हम आज सभी बढ़ते वैश्विक तापन की स्थिति में, जब धरा पर जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, भली भांति जानते और समझते हैं। भारी उद्योगों की स्थापना और उनके लिए सुविधाएं जुटाने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित और हिंसक दोहन वह प्रकृति से अन्यायी छेड़छाड़ प्रक्रिया का एक कदम था और वह आज तक भी जारी है। उद्योगों में विशाल पैमाने पर होने वाले उत्पादन के लिए कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात के लिए परिवहन व्यवस्था, यातायात सुविधा के लिए निरंतर होड़ दूसरा दुष्प्रभावकारी कदम था और अभी तक भी है। इन दोनों ने पर्यावरण संतुलन और प्रकृति के स्वरूप को बुरी तरह बिगाड़ दिया। जलवायु इतनी बिगड़ गई है कि धरावासियों के समक्ष अब यह प्रमुख और चुनौती भरी समस्या के रूप में है। धरा पर, जैसा कि कहा है, जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह है। निरंतर सूखती नदियां, तालाब और झरने, नीचे गिरता जल स्तर, सिमटते वन, केवल 1990 से 2020 ईस्वी की समय अवधि में ही 178 मिलियन हेक्टेयर वन कम हुए हैं, और ग्लेशियर, ध्रुवों पर भारी मात्रा में पिघलती बर्फ और परिणाम स्वरूप तीव्रता पूर्वक बढ़ता समुद्र का जल स्तर आदि उक्त वर्णित भयावह दुष्प्रभाव, बढ़ते वैश्विक तापन व अनियंत्रित जलवायु का ही परिणाम है। इससे ही मौसम की प्रकृति भी बदल गई है। मौसम अनिश्चित अवस्था में पहुंच गया है। बाढ़ और सूखे की अति असंतुलित स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति में स्वयं भारत में 25% भूमि रेगिस्तान बनने की ओर है। हजारों की संख्या में वे वन्य जीव जो प्रकृति संरक्षण, वातावरण संतुलन और जलवायु शुद्धता और अनुकूलता के लिए अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, या तो विलुप्त हो गए हैं अथवा वे विलुप्तता के कगार पर हैं। वर्ष 2016 ईस्वी की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 725 जीव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थीं और 22,550 प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में थी। स्वयं मानव जीवन के समक्ष प्रत्यक्ष भयंकर खतरा अब विद्यमान है। बढ़ती वैश्विक तापन की स्थिति में अनेक बड़े छोटे समुद्र तटीय नगर अल्प अवधि में ही जलमग्न हो जाने की स्थिति में आ गए। यह सारे संसार विश्व के प्रत्येक नारी और नर के लिए भयंकर चिंता का विषय है। विषय विशेषज्ञ और वे सभी
जो इस अति गंभीर स्थिति से पर चिंतित हैं, वर्षों से निरंतर सजातियों को सचेत करने के साथ ही इस स्थिति से उबरने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य भी कर रहे हैं। वे लिख रहे हैं, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित कर इस गंभीर स्थिति से अवगत करा रहे हैं। अभी भी समय रहते सजातियों का संभल जाने का वे आह्वान कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे सर्वोच्च वैश्विक संगठन सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय संस्थाएं भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है, न ही बिगड़ चुकी स्थिति में कोई ठोस सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। विपरीत इसके, वैश्विक तापन की स्थिति में शनै शनै बढ़ोतरी की बात ही सामने आती है। अनुमान के अनुसार आने वाले 3 दशकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर भीषण तबाही प्रकट हो सकती है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? पहली बात, प्रत्येक जन, स्त्री और पुरुष को स्थिति की गंभीरता की अनुभूति कराई जाए। स्थिति के न सुधरने न संभलने के अंतिम परिणाम से जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को अपनी चपेट में लिए हुए अंतिम जन तक को अवगत कराया जाए। तदुपरांत प्रकृति संरक्षण को प्रत्येक जन का मूल कर्तव्य बनाया जाए। इसी कड़ी में प्रत्येक जन प्रदूषण उत्पन्न करने वाले यंत्रों और साधनों का, जो कथित विलासिता और कायिक सुख के लिए हैं, अविलंब कम से कम प्रयोग करना प्रारंभ करें। ऐसा कहना कोई हवा हवाई बात नहीं है, इस हेतु अब यह वांछित है और यह करना ही होगा। इससे ही जलवायु शुद्ध, स्वच्छ और स्थिर होगी, वातावरण संतुलित होगा। प्रकृति संरक्षण को, जिसमें पशु पक्षियों, जंतुओं और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा अनिवार्य रूप से सम्मिलित है, हमें प्राथमिकता से लेना ही होगा। हमें स्वयं अविलंब यह समझ लेना होगा कि जलवायु को अनुकूल बनाना हमारा परम कर्तव्य है। जलवायु को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करना हम सभी का समान रूप से उत्तरदायित्व है। हम सभी को एक साथ एक नाव पर बैठकर पार उतरना है, अन्यथा अपनी कर्तव्य विमुख स्थिति में डूब जाना है। सभ्यता के पतन की ओर अब हमको बढ़ जाना है।